फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है स्क्रीन टाइम आउट चेंज कैसे करें। मेरे पास है नोकिया का फ़ोन। नोकिया के फ़ोन में से स्क्रीन टाइम आउट चेंज करेंगे इस वीडियो में बताने वाली। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन टाइम आउट चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने मिलता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको एडवांस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन मिलेगा। इस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ऐसे देखने मिल जाता है और 30 मिनट। आपको किस टाइम में आपको फ़ोन आपका ऑफ होना चाहिए वो बता सकते हो, आप बता ही सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। चाहते आप चाहते कि ऑटोमेटिकली मेरा 5 मिनट में फ़ोन ऑफ हो जाए। तो एक फ़ोन में मैंने स्क्रीन टाइम और चेंज नहीं किया था, 15 सेकंड लग रहा था। 15 सेकंड में बार बार मेरा फ़ोन ऑफ हो रहा था, ऑफ हो रहा था, इतना परेशान हो रही थी। तो मैं 30 मिनट में लगाया था। वैसे आप लगा सकते हैं, मैं आपको ये बता रही कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं 30 मिनट सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट पहले से है। नहीं, मैं 2 मिनट सेलेक्ट करती हूँ तो और देखते हैं। 2 मिनट सेलेक्ट किया तो मेरे 2 मिनट स्क्रीन टाइमर लग गया है। तो मैं 30 मिनट सेलेक्ट कर रही, 30 मिनट में मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्क्रीन टाइम आउट को चेंज करना आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।